हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबका निकुंज बुटीक में। आज बना रही हैं सर्कुलर प्लाजो, और वो भी 2.5 मीटर में। हैवी साइज़ सर्कुलर प्लाजो बनाएंगे। हिप साइज़ रहेगा 54, और टोटल लेंथ जो रहेगी प्लाजो की वो रहेगी 38। तो 2.5 मीटर में हैवी साइज़ को कैसे कट करते हैं आज वो कटिंग और स्टिचिंग फुल वीडियो दिखाएंगे। ये डबल फोल्ड कपड़ा इस तरह से मैंने ले लिया है, और इसको पहले एक स्ट्रेट में इस तरह फोल्ड कर लिया है डबल में, और फिर इसके बाद हमने इसको ट्रायंगल में फोल्ड करना है। डबल लेयर है, दोनों हमारे जो पैर रहेंगे वो एक साथ इस तरह से कटिंग हो जाएगी दोनों पैर की। तो हिप साइज़ 54 है, तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, 13.2 आ रहा है। टोटल 13.2 में उसमें ऐड करेंगे 3 इंच इस तरह से। और ये जो दूसरा निशान लगा है वो सही है, ऊपर से एकदम अच्छे से मिलाते हुए लगाना है। तो हमने 16.2 इंच लिया है, टोटल जो ऊपर से चौड़ाई रहेगी हिप की वो ली है। इसके बाद जो हम लेंगे लेंथ लेंगे यहाँ से, ये वाला निशान हम थोड़ा गुलाई में रख देंगे ताकि अच्छे से हमारा ये बने। ऊपर वाला निशान वो इसी तरह है, ये वाला फिक्स है। इसके बाद जैसे टोटल लेंथ लेंगे तो 39 मैंने इस तरह से लिया है, आप कम फोल्ड करना चाहें तो 38 ले लेंगे। और 1 इंच मैंने ऊपर वाले निशान से ऊपर की तरफ निकाल दिया है। ये हम बेल्ट जो लगाएंगे इलास्टिक वाली वो अलग से लगाएंगे, इसलिए 1 इंच हमने कम लिया है। और इस तरह गोलाई करते हुए नीचे से हम मिला देंगे। आगे तक हमने इसी तरीके से इसको मिला देना है। सब तरफ से 1 इंच हमने ऊपर से निकाल के और इस तरह से इसको मिला लिया है। अब हम इसको कट कर देंगे। तो ये देखिए, और कट करने से पहले हम यहाँ पे जो जॉइंट लगना है उसको चेक कर लेते हैं कि जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें अच्छे से जॉइंट लगेगा कि नहीं। तो जितना भी आपका वहाँ से कम है कपड़ा यहाँ पे चेक करेंगे। करीब करीब 13.5 इंच हमारा यहाँ से चौड़ाई आ रही है, तो बीच वाला हिस्सा भी एक बार ही चेक कर लेते हैं यहाँ से। तो जितने गहराई पे ये हमारा है, जैसे 12 इंच हमारा यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ से 12 इंच होगा कि नहीं ये चेक कर लेंगे। तो लगभग हमारा ये ठीक ठाक हो रहा है। छोटा सा इसमें एक्स्ट्रा जोड़ लगेगा वो हम बाद में बताएंगे। तो पहले इसको कट कर लेते हैं। आसन हमेशा इसका हम बाद में कट करते हैं, पहले इस तरह से कट कर लेंगे। और फिर इस तरह ये बचे हुए पीस को हम चेक कर लेते हैं कि अच्छे से इसमें, तो यहाँ पे छोटा सा कम हो रहा है वो हम बाद में इसमें जॉइंट करेंगे। तो चलिए तब तक यहाँ पे अलग से जॉइंट करेंगे। अब हम आसन कट करेंगे, तो लंबाई को हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आ रहा है 12.6, 12.6। तो इसको हम इस तरह से 12.5 इंच मैंने इसको आसन लिया है लंबाई में, और 1 इंच ऊपर की तरफ छोड़ दिया है क्योंकि बेल्ट वाला हिस्सा रहेगा। और जब भी आसन का लगाएं तो यहाँ से हम जैसे 2.5 इंच 2 इंच की कटिंग करते हैं, तो वो ऊपर की तरफ से नहीं होगी, ऊपर की तरफ से बिल्कुल इस तरह से मिला देंगे। और सिर्फ नीचे से हमने ये 2 इंच की और 2.5 इंच की, आप अपनी मर्ज़ी से, मैंने ये 2.5 इंच की कटिंग करी है नीचे से, और इसको इस तरह गोलाई में मिला देंगे। अब हमने कटिंग करना है, जो हमारा नीचे वाला पार्ट कम है उसको कट कर लेंगे। आपका हैवी साइज़ नहीं है तो 2.5 मीटर में जो नीचे वाला जोड़ है वो बहुत कम लगता है, और किसी किसी की लंबाई कम रहे तो जोड़ बिल्कुल भी नहीं लगता है। ये हैवी साइज़ है इसलिए इसमें नीचे जोड़ लग रहा है। इस तरह इसको अच्छे से जितना नीचे वाला पार्ट है उतना ही ले लेंगे, और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। यहाँ पे छोटा सा पीस और लगेगा, इसको भी कट कर लेंगे। और ये हमारा इस तरह से जो जॉइंट हो रखा है ऊपर वाला हिस्सा उसको भी अलग कर देंगे। तो ये देखिए हमारा नीचे से कट हो गया है। अब हम बेल्ट कट कर रहे हैं, तो बेल्ट के लिए मैं 4 इंच चौड़ा इस तरह से, देखिए ये लंबाई आप चेक कर लें, और 5 इंच, सॉरी, मैंने 5 इंच की चौड़ाई ली है। 4 इंच तो हमारा इसी तरह से रहेगा अंदर कपड़ा, और 1 इंच जो है फोल्ड के लिए लिया है। तो चौड़ाई जो रहेगी वो डबल फोल्ड करके इस तरह से 4.5 या 5 इंच इस तरह से लेनी है। और जो चौड़ाई के साथ साथ जो लंबाई जितनी भी रखनी है वो आप अपनी बेल्ट ऊपर से जितना आपने आसन कट किया है चौड़ा
उसके हिसाब से आप इसको ले सकते हैं। अब हम इस पे जॉइंट लगाएंगे, ये नीचे वाला हिस्सा जहाँ पे जॉइंट लगना था वहाँ पे इस तरह अपने पीस रख लेंगे और इसको जॉइंट कर देंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने जॉइंट करना है, तो चलिए ये नीचे वाला हिस्सा इसको बाद में जॉइंट करेंगे, तो पहले ऊपर वाले हिस्से को जॉइंट करते हैं। डबल सिलाई लगा देंगे और फिर इसके बाद इसको फिक्स कर देंगे। अब हमने नीचे वाले हिस्से पे यहाँ पे छोटी सी जो पट्टियाँ कम रहेगी थी हमारी उसको भी अब हम जॉइंट कर लेंगे। दोनों पैर पे इसी तरह से जॉइंट होगा, तो दूसरे वाले पैर पे भी इसी तरह से हमने जॉइंट कर लेना है। ये दूसरा वाला हिस्सा है, अब नीचे की तरफ जो छोटा सा पार्ट लगना है उसको भी जॉइंट कर देंगे। जॉइंट करने के बाद हम इस पे आयरन कर लेंगे ताकि अच्छे से ये फिक्स हो जाए अपनी जगह पे। देखिए ये हमारा जॉइंट हो चुका है, तो इस पे हमने आयरन कर लिया और ये अच्छे से सेट हो गया है। इसके बाद हमने ये देखिए जॉइंट होने के बाद हमने यहाँ से आसन को स्टिच करना है, तो दोनों पैर को इस तरह आयरन करके फिर हम चलिए इसको स्टिच करते हैं। वो नीचे वाला घेर है तो एक्स्ट्रा अगर लगे तो आप आयरन करने के बाद उसको थोड़ा राउंड कर देंगे और फिर हम इसको स्टिच करेंगे। तो चलिए स्टिच करने के लिए पहले आसन को स्टिच करेंगे, तो दोनों पार्ट को पकड़ लेंगे, एक दोनों हिस्सों के आसन को, और इस तरह से इसको जॉइंट करेंगे। दोनों पैर के आसन मिला के स्टिच करना है हमने, ऐसा नहीं कि एक ही पैर के आसन को, खोल के इस तरह से। अब ये दूसरा वाला पार्ट हम बाद में अटैच करेंगे, स्टिच करेंगे, क्योंकि पहले हम लगाएंगे इलास्टिक, तो ये वाला हिस्सा हम इस तरह ओपन रख लेंगे। ये देखिए खुल गया है। अब हम लगानी है इसके ऊपर बेल्ट जो हमने कटिंग की थी, तो पहले हम बेल्ट में जो जॉइंट लगने हैं वो लगा लेते हैं। आपके पास अगर कपड़ा एक्स्ट्रा था, आपने कट कर लिया है तो सही है, मेरे पास ये कपड़ा कम था जॉइंट करना था, इसलिए पहले मैं इसमें जॉइंट लगा लेती हूँ। और ये देखिए ये बेल्ट हमारी रेडी है। जॉइंट को अंदर की तरफ ऊपर की तरफ रखेंगे और जो हमारा प्लाजो है वो सीधी साइड है। अब इसको इस तरह से इस एक सिलाई लगा के और अटैच कर लेंगे बेल्ट को। सर्कुलर प्लाजो में हमेशा ऊपर से बेल्ट लगाना चाहिए, उसी कपड़े में एक्स्ट्रा कपड़ा रख के आपको कभी फोल्ड नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बिल्कुल भी अच्छे से फोल्ड नहीं होता है। नीचे वाला कपड़ा हमारा सर्कुलर हो जाने की वजह से ये बिल्कुल भी अच्छे से फोल्ड नहीं हो पाता है, तो हमें स्ट्रेट कपड़ा अलग से बेल्ट का कट करके हमेशा लगाना चाहिए। तो इस तरह से पूरी बेल्ट पे कपड़ा लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसके अंदर लास्टिक अटैच करेंगे। हमने राउंड में लास्टिक लगाना है, तो एक ही हिस्से पे जैसे इस तरह से एक स्टिच लगाएंगे और फिर इसके बाद हम इसमें लास्टिक अटैच करेंगे। ये देखिए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है, फैब्रिक है, उसको हटा देंगे। अब इसके साथ अटैच करेंगे लास्टिक, तो मार्जिन है उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए और ये देखिए लास्टिक लेंगे, ये 1.25 इंची हमारा लास्टिक है, और इस तरह से इसको अटैच करेंगे। पहले इधर एक स्टिच लगा लेंगे ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, और इसके बाद हमने जो स्टिच लगाना है जो हमारा पहले वाला स्टिच है उसके ऊपर लगाना है, और लास्टिक इसके अंदर नहीं आना चाहिए, लास्टिक सिर्फ यहाँ पे आना चाहिए जो अभी हमने स्टिच लगाया है। इसके बाद जब हम ये सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ पे हमारा लास्टिक सिलाई में अटैच नहीं होना चाहिए, और इसको लास्टिक को अंदर की तरफ रखेंगे और इसके ऊपर स्टिच जो पहले से हमारा है उसी के ऊपर स्टिच लगाते हुए हम आगे तक आएंगे। इसी तरह से पूरे प्लाजो पे इसी तरह हमने अंदर की तरफ कपड़ा फोल्ड करते हुए मार्जिन को अंदर रखेंगे और लास्टिक को सिलाई में नहीं आने देंगे, और पूरा इसी तरह से स्टिच कर देंगे।
टोटल कपड़े को इसी तरह एंड तक हमने स्टिच कर लेना है। पूरा हमारा स्टिच होने के बाद हमने जो एक्स्ट्रा जो हमारा इलास्टिक है उसको इस तरह से जितना हमने रखना है उसके बाद हमने इसको अटैच कर देना है ताकि ये अपनी जगह पे फिक्स हो जाए। और टोटल जो हमने इलास्टिक रखना होता है, जैसे आपकी टोटल कमर जितनी है उससे 8 से 10 इंच आप इसको इलास्टिक को कम कर देंगे। अगर आप पूरे राउंड में इलास्टिक लगा रहे हैं सिर्फ तभी आपने ये रखना है, अगर हाफ़ में आप लगा रहे हैं तो हाफ़ का मेज़रमेंट अलग रहता है। तो ये मैं पूरे पे राउंड में इस तरह से, जैसे हिप का साइज़ हमारा 54 है तो मैं कमर से भी नहीं हिप से इसका अंदाज़ा लगा रही हूँ। तो आपको जैसे हिप आपकी जितनी है उससे 10 इंच कम कर देंगे, तो ये मैंने 54 हमारी हिप थी तो 45 मैं इस तरह से इसमें साइज़ रख रही हूँ। तो इस तरह इसको कम कर देंगे और यहाँ पे एक स्टिच लगा देंगे ताकि इलास्टिक जो है अपनी जगह पे फिक्स हो जाए, कम या ज़्यादा ना हो। तो इस पे एक छोटी सी पिन लगा लेंगे और फिर इसके बाद हमने क्या करना है, पूरे इलास्टिक को पकड़ के इस तरह से स्ट्रेच करना है ताकि जो हमारी चुनट्स हैं वो बराबर आएँ। और फिर उसके बाद हमने स्टिच लगाने हैं, एक या दो स्टिच लगा दें ताकि वो अपनी जगह पे फिक्स हो जाए और इलास्टिक जो है फिसले भी नहीं गा और मूवमेंट भी नहीं कर पाएगा। और इस तरह से और कपड़े को खींचते हुए इस पे सिलाई इस तरह से लगा देनी है। मूवमेंट ना करने का मतलब ये है कि इलास्टिक हमारा पलटेगा नहीं और स्ट्रेच जितना हम चाहेंगे उतना स्ट्रेच हो पाएगा कपड़े के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से एक सिलाई ऊपर की तरफ लगाएंगे और एक सिलाई फिर इसके नीचे लगा रहे हैं। तो दो सिलाई इस तरह से लगा देंगे जिससे क्या है इलास्टिक बहुत ही अच्छा भी दिखेगा और फिक्स भी हो जाएगा। बाहर की तरफ भी हमने हाथ से पकड़ के इसको स्ट्रेच करना है और अच्छे से ये फिर हमारा इसके साथ सिलाई लग जाएगी। जब हमारा पूरे पे सिलाई लग जाएगी इसके बाद जितना भी एक्स्ट्रा हमारा इलास्टिक है उसको कट कर देंगे। अब हमने ये साइड वाला आसन है जो ये देखिए इलास्टिक लग के हमारा तैयार है, बहुत ही अच्छे से इलास्टिक लगा है। अब जो आसन है दूसरी तरफ वाला उसको आसन को स्टिच कर देंगे। ये देखिए आसन के ऊपर आसन रखेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। दो तीन सिलाई हमने इस तरह से ऊपर से लगानी है, ये अच्छे से पक्का हो जाएगा और फिर हमने इस तरह से आसन को स्टिच कर लेना है। आसन पे डबल सिलाई ज़रूर लगाएं और दोनों तरफ मैंने आसन पे दो डबल सिलाई लगाई है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करके इस पे इंटरलॉक कर लेंगे। और दोनों तरफ का आसन जो स्टिच हो गया है अब नीचे की तरफ से हमने फोल्ड करना है कपड़ा। तो सर्कुलर में भी हमेशा यही रहता है कि आप ज़्यादा मोटा इस फोल्ड ना करें, पतला ही फोल्ड करें। तो इस तरह से ये दोनों आसन है, इलास्टिक लग गया है और ये हमारा आसन और नीचे से ये इस तरह से हमने नीचे वाला फोल्ड करेंगे। तो घेरा इस तरह से पहले हम बाद में घेरा फोल्ड करेंगे, पहले ये बीच वाला राउंड की जो सिलाई रहती है वो सिलाई लगा रही हूँ आसन के नीचे वाली और पैरों की। और दोनों को इस तरह मिलाते हुए हमने डबल सिलाई लगा लेनी है। सेम इसी तरीके से दूसरी तरफ भी लगाएंगे सिलाई। इसके बाद हमने नीचे वाला फोल्ड करना है, ये राउंड वाला हिस्सा। तो इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे और इसको स्टिच कर देंगे। ये देखिए हमारी पूरी सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। इस तरह से ये हमारा सर्कुलर प्लाजो हैवी में तैयार है। सो फ्रेंड्स, आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, शेयर व लाइक ज़रूर करें। नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए धन्यवाद।